हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश। और आज भी हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कंपनी के बिजनेस को मॉडल को देखेंगे और उसका फ्यूचर का भविष्य देखेंगे और चार्ट पैटर्न पर भी बात करेंगे। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो रहेगा एंड कंपनी का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड एंड यह एक एजुकेशनल वीडियो रहेगा जिसमें मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं रहेगी कि आप उसके शेयर्स को खरीदें या बेचें, ये आपका डिसीजन रहेगा। मेरा तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक समझाने का तरीका है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, कैसे हम बिजनेस को स्टडी करें, कैसे हम बिजनेस को फ्यूचर से लिंक करें और कैसे हम उसकी प्रेजेंट स्टेटस को देखें। तो ये टोटल एक एजुकेशनल वीडियो रहेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड जो है ना, वो वन ऑफ द एक वाइन मेकर कंपनी है। हम इसकी वेबसाइट पर यहाँ से जाएंगे तो ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है। तो इनके कई सारे ब्रांड हैं एंड जॉनी वॉकर, गोडावन, मैकडॉल्स है ना, रॉयल चैलेंजर और द सिंगल टोन। तो इनके कई सारे नामी ग्रामी जो ब्रांड कई सारे, कॉपर डॉग, सिग्नेचर, ब्लैक डॉग, ब्लैक रिजर्व, ब्लैक एंड वाइट, कैप्टन मॉर्गन। तो ये सही कई सारे इनके अच्छे खासे ब्रांड हैं जो अपने किटल वन, एंटीक्यूटी, बेलिस एंड दीज द ब्रांड आर द वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ये एक्सपेंसिव ब्रांड होते हैं और ये सब वाइन यूज होती है और इन सब वाइनों का कंजम्पशन होता है। और नीचे लिखा भी है 200 प्लस ब्रांड है इनके और काफ़ी अच्छे ब्रांड के तले इनका वाइन का बिजनेस अच्छे खासे रन कर रहा है। ये सब नामी ग्रामी ब्रांड है और एक नाम से ही बिकते हैं इंडिया में। सो द वाइन इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करते हैं कि डीआरजीओ जो इनकी कंपनी है, डीआरजीओ के अंडर में ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन वगैरह। सो ये काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आप बात करें वाइन को लेकर, वैसे लोगों की एडवाइस देते हैं कि आपको वाइन नहीं पीना चाहिए, तो आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस यहाँ कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्टडी कर रहा हूँ बिजनेस को लेकर। तो वाइन की अगर हम कंजम्पशन को देखें, वाइन की अगर डिमांड को देखें, तो मैं आपको एक यहाँ पे एक वेबसाइट है वहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा। ये इंडियन का एस्थेटिक्स मेंटेन करते हैं, कैसे क्या डिमांड क्या बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ वाइन कंजम्पशन अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2016 टू 2021 विथ एन एस्टिमेटेड फॉर 2025। मतलब इन्होंने 2016 से लेकर 2021 तक का स्टडी किया है और उसके व्याप पे 2025 का इन्होंने डेटा पेश किया है इन मिलियन लीटर्स में। सो 2016 में 24.5 मिलियन लीटर्स का कंजम्पशन होता था इंडिया में और ये बढ़ के 2020 में 31.1 मिलियन का पहुंचा एंड 2021 में 31 से 34 मिलियन लीटर्स पर पहुंचा और 2025 में ये 52.2 मिलियन लीटर्स का डेटा पहुंचने वाला है। मतलब कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मेरा डेटा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। तो ये डेटा और कुछ बताता है कि क्या चीज़ है। तो बेसिकली अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन का कंजम्पशन धीरे धीरे करके बढ़ना ही है, ये कंजम्पशन कम नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, और फॉर्च्यून इंडिया की वेबसाइट पर जब हम गए तो मैंने यहाँ पे ये देखा है, स्टडी की है, तो यहाँ लिखा है इंडिया प्रोड्यूस 40 मिलियन केसेस ऑफ वाइन एवरी ईयर। मतलब 40 मिलियन वाइन बनाती है इंडिया एंड पर ईयर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाइन इज वेयरली वन बोटल अ ईयर। मतलब अगर हम बात करें तो वन बोटल पर ईयर कंजम्पशन है और विस टू इन चाइना, यही कंजम्पशन टू चाइना में है। और अगर हम बात करें इटली की और यूएस की, तो 50 बोटल पर इंडिया में कंजम्पशन यूएस और इटली में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वन बोटल है और चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पे दो बोटल है। तो उसके हिसाब से अभी काफ़ी ग्रोथ है इस बिजनेस में। देयर आर जस्ट 10 मिलियन वाइन ड्रिंकर्स अराउंड 0.8% ऑफ द पॉपुलेशन, बट वाइन कंजम्पशन इज ग्रोइंग बाई 18% अकॉर्डिंगली टू द टेक्नो पार्क रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट आई है उसके बेस पर ये है कि कंजम्पशन जो है वो अभी एक बोटल पर के हिसाब से अपना कंजम्पशन है और चाइना में यही दो बोटल है और इटली और यूएस की बात करते हैं तो 50 बोटल है। एक और डेटा मैंने निकाला है, वो यह डेटा है कि अगर हम बात करें कि पर कैपिटा वाइन कंजम्पशन कंट्री इन 2020, तो अगर हम देखेंगे ना तो पुर्तगाल में 51.9 लीटर पर कैपिटा कंजम्पशन था। और इसकी बात करें तो ये टॉप 20-21 कंट्री दिया है, तो ये इंडिया का नाम इसमें कहीं नहीं है। बाकी जो अलग कंट्रियां हैं उसमें नाम है, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, जर्मनी है एंड सूडान है, नीदरलैंड्स है, स्पेन है, यूके है, कनाडा है और यूएस है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है, जापान है, ब्राज़ील है, चाइना है। तो यहाँ पर कंजम्पशन मतलब मैं इन द सेंस ऑफ बढ़ा है और 20 की लिस्ट दी गई, इसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो इट मींस दैट ये कंजम्पशन इंडिया में बढ़ने वाला है क्योंकि जैसे जैसे ये सब, एक तो इनकम से भी लिंकेज रहता है, पर कैपिटा जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और जब हम एक तरह से अर्बनाइजेशन के लिए बढ़ते हैं, जब हम एक तरह से बोलते हैं इंडिया विल डेवलप, तो जब ये डेवलप वाली मेंटेलिटी बनेगी तो कहीं ना कहीं शहरों में रहेंगे और शहरों का कल्चर धीरे धीरे करके पार्टी और ये पब में जाना और ये सब चीज़ का कल्चर बढ़ रहा है,
तो पर कैपिटा वाइन का कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये सब डेटा बोलता है, ऐसे ही डेटा नहीं बन जाता, डेटा बनता है और डेटा का एनालाइज होता है, उसी बेस पे मैं बता रहा हूँ कि पर कैपिटा वाइन का कंजम्पशन बढ़ना है। और यूनाइटेड स्पिरिट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया लिमिटेड जो है ना, वो काफ़ी अच्छा कर रही है इन सेगमेंट में, और काफ़ी अच्छे ब्रांड है इस कंपनी के। तो आई डोंट थिंक सो ये बिजनेस बढ़ेगा नहीं, ये बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा यहाँ से। और इनके कई सारे ब्रांड हैं जो सिर्फ नाम से ही बिकते हैं, और कुछ मिड साइज में, मतलब इन से जो कुछ प्राइस के रेंज में रहते हैं, तो कुछ लार्ज ज़्यादा महंगे हैं, कुछ मिडिल के हैं। तो ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हैं जो इंडिया में सर्व होते हैं, 200 प्लस इनके ब्रांड हैं। चलिए अब देख लेते हैं और बिजनेस में क्या दिया गया है। तो डियाजियो इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इंडिया एज ए यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यूएसएल इज द कंट्री लीडिंग बेवरेज एल्कोहल कंपनी है एंड सब्सिडरी ऑफ द ग्लोबल लीडर डियाजियो। तो ये ग्लोबल लीडर का है। और सी प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉजिक कंट्रोलर की तरह काम करती है। एंड द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइड पोर्टफोलियो प्रीमियम ब्रांड सच एज जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वेट 69, एंटीक्यूटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉनल्ड नंबर वन और कैप्टन मॉर्गो। और इनके कई सारे लॉट्स ऑफ ब्रांड हैं जिनको ये सेल आउट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर हम इनके की पॉइंट्स की बात करेंगे तो यूएसएल हैज द कॉम्प्रेसिव ब्रांड पोर्टफोलियो विथ मोर देन 80 ब्रांड्स हैं, और स्कॉच, बिस्की, बिस्की ब्रांडी, रम, वोडका एंड गेन। आउट ऑफ दीज 9 ब्रांड्स सेल मोर देन 1 मिलियन केसेस ईच ईयर, और नंबर वन ब्रांड सेल्स ओवर द 25 मिलियन केसेस ईच एनुअली। तो इनका कई सारे ब्रांड हैं, और इन ब्रांडों को ये बताया कि किस तरह ये सेल आउट होते हैं। और इन्होंने कुछ नए ब्रांड भी लॉन्च किया ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2023। कंपनी लॉन्च 3 न्यू ब्रांड्स, नेमली एपिटोम, रिजर्व, गोडावन एंड रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड। तो इनके ये नए 3 ब्रांड आए हैं। रेवेन्यू मिक्स FY 2022 का क्या है, प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड सेगमेंट से 72% रेवेन्यू आया है, पॉपुलर सेगमेंट से 20। तो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू जो प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड रहते हैं उनसे रेवेन्यू आता है, जो काफ़ी कॉस्टली वाइन बिकती हैं उनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और सबसे कम जो पॉपुलर ब्रांड रहते हैं उनसे कम रेवेन्यू जनरेट होता है, वो थोड़ा चीपली रहती हैं। और मार्केट लीडरशिप दिया गया, यूएसएल हैज़ द लार्जेस्ट, यूएसएल हैज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ द 25% इंडियन स्प्रिट इंडस्ट्री, मतलब में ये 25% इनके पास मार्केट है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्प्रिट कंपनी इन द वर्ल्ड, विस्क की दूसरी नंबर की कंपनी। द कंपनी हैज़ द 45% मार्केट शेयर इंडियन विस्की मार्केट, 45% जिसका इंडियन विस्की मार्केट में, और विस्की अकाउंट फॉर ओवर 60 स्प्रिट सेल्स इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा इनका है। और यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क, द कंपनी हैज़ ए पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस, मोर देन 47 फैसिलिटी है, मतलब 47 की जगह इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और 70,000 आउटलेट्स के द्वारा इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी ये कोलैबोरेशन के बारे में दिया गया है, और चेंज इन मैनेजमेंट 2015 में कुछ मैनेजमेंट में चेंज आया वो दिया है, एक्विजिशन दिया है, और स्कीम ऑफ एमलगेशन दिया है। ये तो ये बाकी ये बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के। जब हम फाइनेंशियल चेक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैप है 55,871 करोड़ का, इस कंपनी का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस 769 पर चल रहा है, और स्टॉक का 52 वीक का लोअर हाई 952 और 712 रुपीज़ गया है। और अगर हम स्टॉक का पी देखें तो 47.1 है, और इंडस्ट्रीज का पी देखें तो 30.1 है, यानी इंडस्ट्रीज के पी से थोड़ा उसका पी ज़्यादा है। बुक वैल्यू 79.4 रुपीज़ है, एंड डिविडेंड अभी कुछ सर्व नहीं करती है। आरओसी बहुत अच्छा है, 24.2। आरओई की बात करें वो भी अच्छा है, 19.8 का आरओई दे रहा है। फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपये है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी हेल्दी है, 56.7, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 34.54% ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन मार्केट में 72.7 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1187 करोड़ का है। मार्केट कैप 3 साल पहले 40,249 करोड़ की हुआ करती थी। इंडस्ट्रीज का पी एज आई टोल्ड यू 30.1, वैग्रेसिव 1.82 है। प्राय हाई, ऑल टाइम हाई जो है वो 1020 रुपये गया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा लोन नहीं है, एज पर 100 डे में 84.846 है। आरएसआई 20 है, काफ़ी चीप है आरएसआई के अनुसार। एबिटा 32.90 है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 2 दिसंबर 2019 में इनकी सेल्स 2588 करोड़ रुपये की हुआ करती थी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था वो 425 करोड़ का आता था, और नेट प्रॉफिट वॉज 232 करोड़, 232 करोड़ का इनका पास नेट प्रॉफिट आता था, और ईपीएस 3.24 रुपये जनरेट हुआ करती थी। तो इसमें उतार चढ़ाव आते होते अभी जो दिसंबर 2022 में कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें 2779 करोड़ की इनके पास सेल्स हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 372 करोड़ रुपये का आया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13% है, एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 214 करोड़ रुपये आसपास। तो अगर हम पिछले 3 साल में देखें और आज लास्ट क्वार्टर का देखें तो मुझे काफ़ी कम लगता है, बट ये बिजनेस भी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, कभी डिमांड कम कभी डिमांड ज़्यादा रहती है। एंड अगर हम बात करते हैं तो इसका सितंबर का क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छे हेल्दी रिजल्ट आए। जो प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बात करें तो 2011 में इनकी सेल जो 7,280 करोड़ की हुआ करती थी, एंड वो सेल्स बढ़ते बढ़ते 10,644 करोड़ की इनकी हाईएस्ट एवर सेल्स आती हुई नज़र दिख रही है। बिकॉज एक मार्च में 13 में और 14 में उसी के आसपास आई थी, बट ट्रेलिंग 12 मंथ में हमको ये हाईएस्ट एवर सेल्स दिख रही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो
हाईएस्ट एवर के आसपास ही है, बिकॉज 10-16 से 12 करोड़ इन्होंने अभी तक इतना प्रॉफिट नहीं कमाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर आता हुआ नजर आ रहा है, 1202 करोड़ रुपए का। तो बाकी ये इसका बिजनेस थोड़ा सा अलग टाइप का सेगमेंट है, और मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इसलिए और डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम फ्यूचर से लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंट्रियाँ डेवलप्ड हैं, जो कंट्रियाँ जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, यानी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है, एंड और अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ 2 बोतल कंजम्पशन है, इंडिया में 1 बोतल कंजम्पशन है। अगर हम इटली एंड अगर हम और क्या बोलते हैं यूएस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ 50 बोतल है। तो यानी अगर हम डिमांड को देखें तो डिमांड काफ़ी बढ़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी के साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली बढ़ती हैं, क्योंकि ये सब पार्टी सार्टी वाला जो कल्चर है ये कभी कम होने वाला नहीं है एज सच इन माई ओपिनियन। बिकॉज ये कितना भी लोग ज्ञानी बन जाए, कितना भी लोग बोलें कि वाइन पीना खतरनाक होता है, वाइन पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर एज ए बिजनेस के मॉडल को स्टडी करें तो ये सब चीज़ें कभी कम नहीं होने वाली है, ये सब चीज़ें ग्रो ही हो रही हैं। और अगर हम ये रिकॉर्ड को देखें, स्टडीज का डेटा को देखें, तो हमें यही समझ आता है कि वाइन का कंजम्पशन रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो मार्च 2011 से मार्च 2023 में जो रिजल्ट आएंगे ट्रेलिंग 12 में, 1212 करोड़, 1202 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आता हुआ नजर आ रहा है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, और मेरे हिसाब से बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा धीरे धीरे करके। एंड अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट में, तो शेयर कैपिटल 126 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 145 करोड़ का शेयर कैपिटल हो गया है, रिजर्व 4053 करोड़ से बढ़ के 5626 करोड़ का रिजर्व हो गया है, बीच में कम भी हो गया था फिर बाउंस बैक मारा, और बोरिंग इनके पास 6711 करोड़ की थी जो घटते घटते 557 करोड़ की बोरिंग आ गई, काफ़ी बोरिंग काफ़ी कम की है 3-4 साल में अगर आप देखेंगे इनके फिगर। एंड मेनली इनका जो पार्ट जाता है वो इंटरेस्ट में भी जाता है, अगर ये कंपनी देखिए ना यहाँ पे 1300 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 400-500 करोड़ रुपये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, 80-84 करोड़ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर करता है, अगर उन्होंने अपना डेट कम किया है, अगर लोन कम किए हैं तो डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आगे जाके। एंड अगर हम बात करें बोरिंग भी काफ़ी कम की है, एज एज सच फिक्स असेट इनके पास बात करें तो 6372 करोड़ से घट गए हैं, 1708 करोड़ के फिक्स असेट हो गए हैं, ब्लू आई पी में 92 करोड़ दिख रहे हैं, अगर वो भी जब कैपिटल का पार्ट बनेंगे फिक्स असेट का तो शायद वो भी कुछ हेल्प करें रेवेन्यू जनरेट करने में। कैश फ्लो अगर बात करें 2011 में माइनस में था, 2014 में माइनस में था, 2015 में माइनस में था, और 15 के बाद इन्हों के कैश फ्लो काफ़ी अच्छे आए यानी पॉजिटिव है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड साइन हेयर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की 56.74% होल्डिंग है, एफआई की होल्डिंग 20.54 से घटके 15.98 हो गई है, पर डीआई ने होल्डिंग बढ़ाई है 7.46 से 12.08 की है, एंड थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी हिस्सा था वो सेलेट आउट कर दिया आई थिंक सो। एंड पब्लिक के पास एस सच 13% के आसपास पब्लिक चार्ट ओपन कर रखा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, एंड अगर हम ये बात करें तो ये 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक गैप डाउन छोड़ के नीचे गया है, तो यानी कि गैप फिलअप होगा, भले वो थोड़ा सा और रिट्रेस होकर नीचे आ जाए, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिफरेंट, बट ये गैप फिल जरूर होगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर हम इसका आरएसआई लेवल देखेंगे तो आरएसआई लेवल जब भी 25 के बिलो यानी 30 के बिलो गया है तो उसने इंस्टेंट बाउंस बैक मारा है, यहाँ पर नीचे आया तो तुरंत ऊपर चला गया, यहाँ पर नीचे आया तो तुरंत ऊपर गया, यहाँ पर टच करके ही ऊपर चला गया, यहाँ पर भी टच करके ऊपर चला गया, और अभी यहाँ पे ओवरऑल मार्केट फॉल के चक्कर में ये थोड़ा सा काफ़ी बिलो चला गया नीचे, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे स्टे करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये 200 डेमा के नीचे भी है और आरएसआई लेवल भी कम है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ का टारगेट देखेंगे तो ये टारगेट तकरीबन 32% का गेन आता हुआ नजर आ रहा है, 32% का गेन अगर 1 ईयर में आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 32% 1 ईयर में काफ़ी अच्छा हेल्दी रिटर्न माना जाता है। तो यह एक वीडियो था यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बारे में, एक एजुकेशनल वीडियो था जिसमें मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि ये बिजनेस कैसे फ्यूचर में कितना ग्रो हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या पोजीशन है पर्टिकुलर इस बिजनेस के लेकर, और क्या कंजम्पशन रेट है, और इंडिया का क्या कंजम्पशन रेट है, जो मैंने आपको कुछ आंकड़े दिखा के आपको ये कोशिश की कि ये अभी कितना और डिमांड फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। और इसमें मेरी कोई आपको एडवाइस नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्लीज़ इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए कि मैं सिर्फ ये एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ आपको लर्निंग के लिए, बिकॉज इंडिया में अभी ये सब चीज़ें बढ़नी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल, हाउ टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द दिस टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बट डोंट टू बाय स्टॉक अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज वीडियो, एंड टिल देन कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।